भारत जोड़ो यात्रा कितनी कामयाब? यात्रा से कांग्रेस को क्या मिला? क्या कांग्रेस को वोट भी मिलेंगे? राहुल गांधी की अगुवाई में चल रही भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरीके से लोग जुड़ रहे हैं उससे कांग्रेस काफी उत्साहित है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का भी कहना है कि ये पदयात्रा कामयाब रही है। इससे कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्साहित हैं और राहुल गांधी की छवि भी बदल रही है। लेकिन पर्यवेक्षक ये सवाल उठाते हैं कि क्या इससे कांग्रेस को राजनीतिक फायदा मिलेगा? क्या लोगों का जबरदस्त समर्थन वोटों में तब्दील हो पाएगा? जो लोग भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रहे हैं, क्या वे कांग्रेस को भी वोट देंगे? भारत जोड़ो यात्रा के समापन पर 30 जनवरी को श्रीनगर में होने वाले कार्यक्रम में विपक्ष को न्योता गया है। क्या ये बीजेपी के खिलाफ एक साझा मंच बन जाएगा? भारत जोड़ो यात्रा को दक्षिण ही नहीं देश के दूसरे राज्यों में भी समर्थन मिला। मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी लाखों की तादाद में लोग जुड़े। पंजाब और जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड के बीच भारत जोड़ो यात्रा निकली और लोग इसमें शामिल हुए। जम्मू कश्मीर में तो कई जगह बर्फबारी के बीच लोग घंटों इंतजार करते रहे। अभूतपूर्व भीड़ देखी गई। लेकिन क्या ये भीड़ वोट भी देगी? इस सवाल पर लोग चुप हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी की छवि बदली है। उन्हें अब गंभीर राजनेता माना जाने लगा है। वे आम जनता के नजदीक आए हैं जैसा पहले नहीं था। कहीं बच्ची को गोद में उठा लिया, कहीं महिलाएं आकर माथा चूम कर रोने लगी तो कई लड़कियां आकर राहुल से चिपट गई। कहीं 80 साल की बुजुर्ग राहुल का हाथ पकड़कर चल रहे थे, यानी राहुल ने वो नजदीकी खत्म कर दी जो उन्होंने खुद बना रखी थी। वो वीवीआईपी नेता से आम जनता के नेता बन गए। दूसरी बात यह है कि इससे कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत ही उत्साहित हैं। निस्तेज हो चुके कांग्रेस संगठन में मानो किसी ने जान फूंक दी है। लुजपुंज हो चुका संगठन अब मानो तन कर खड़ा है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि संसदीय राजनीति की अंतिम पहचान चुनाव और उसका गणित है। चुनाव में कांग्रेस को कहां कितने सीटें मिलती हैं, उसे कितने प्रतिशत वोट मिलते हैं, ये सवाल बड़ा है। इंदिरा गांधी बड़ी नेता इसलिए थी कि वो लोगों को अपने बल पर जीत दिलवा सकती थी। उनकी अपील पर समाज का एक बड़ा वर्ग वोट डालता था। क्या राहुल गांधी की अपील पर लोग वोट डालेंगे? क्या वो अपने बलबूते कांग्रेस के लोगों को जीत दिलवा पाएंगे? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राहुल गांधी की अपील तब तक कोई असर नहीं छोड़ेगी जब तक नरेंद्र मोदी की अपील कारगर है। यानी वोटरों के बड़े तबके का जब तक नरेंद्र मोदी से मोह भंग नहीं होगा तब तक राहुल गांधी प्रभावशाली होंगे, ये मुश्किल है। तो क्या समय आ गया है कि लोग नरेंद्र मोदी से मुंह मोड़े? इस सवाल का जवाब तो लोकसभा चुनाव 2024 में ही मिल पाएगा, लेकिन उससे पहले 7 विधानसभा चुनाव में इसकी एक झलक जरूर मिल जाएगी। इन विधानसभा चुनाव में वोटिंग पैटर्न से ये पता चलेगा कि राहुल गांधी ने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कही थी, उस मोहब्बत के कितने खरीदार हैं। विश्लेषकों का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा का मकसद बीजेपी के उग्र हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के नैरेटिव को काउंटर करना था। राहुल गांधी ने इसके साथ ही बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे उठाकर नया नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की। लेकिन क्या अगला चुनाव बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर लड़ा जाएगा या एक बार फिर हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान बड़े मुद्दे बन जाएंगे? यदि राहुल गांधी बीजेपी को बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे पर चुनाव लड़ने को मजबूर करने में कामयाब होते हैं तो उसे निश्चित तौर पर भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी माना जाएगा। भले ही चुनाव का नतीजा कुछ भी क्यों न हो, हमें इसका इंतजार तो करना ही होगा।